वही हरमीत सिंह जो है आपके भाई परविंदर सिंह की जब टारगेट किलिंग होती है तो कहता है कि इनके कत्ल में रियासत को आप कसूरवार ठहराते हैं। ये फिर क्या हुआ? वरना हमारे यहाँ सिस्टम जागता तब तक नहीं जब तक दुनिया में आवाज़ नहीं उठती। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का पहला सिख उसके भाई को भी नहीं बख्शा और प्रेशर की वजह से फिर उन्होंने 48 घंटों में जो मुलजमान निकाले तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो मेरे भाई की मंगेतर थी तो वो शामिल थी। तो 2 पुलिस वाले देने की बजाय आप पहले शमशान घाट दे दें। वो दे दें। 14 अगस्त के दिन कुछ हमारे कुछ सिख भाई वो बेचारे क्या करें, मजबूर होते हैं, उनको कुछ झंडे दिए होते हैं, उसमें डंडे भी होता है। तो मैं तो इस रियासत को सबसे ज़्यादा पहले एक्सेप्ट मैं नहीं किया। मेरे पास तो 2 ऑप्शन थे। मैं तो तमाम तरह मसाइल के बावजूद अभी भी इधर बैठा नहीं गया हूँ। मेरा दादा नहीं गया है। हिंदुओं को हराया तो आपके घर के सामने क्यों फायरिंग हो? तो वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं। तो मुझे पैगाम हो गया था, मुझे कहा था कि आपका मारना क्या है, दो बंदों को गवाह बनाएंगे और आप पर लगा देंगे पत्थर। तो बनाए हुए थे इस रियासत ने, उन पर इन्वेस्टमेंट किया और फिर रियासत से वो बिखर गए और उसके बाद अब वो किसी और के हाथे चढ़ के, किसी और के हाथे पहले हमारी रियासत इस्तेमाल करके अब कोई और इस्तेमाल करता है तो उनकी खौफ से भागते हैं। फ्रंटलाइन पाकिस्तान विद फरजाना अली के साथ एक बार फिर खुशामदीद और प्लेटफार्म है yspk.net का और आज हमारे मेहमान हैं हरमीत सिंह। आप इनको टीवी पर देखते हैं, एक सहाफ़ी हैं, एक एंकर पर्सन हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत अरसे से फ्रंटलाइन का जो एक हमारा सिलसिला चल रहा है तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो अक़लियती बिरादरी है एक तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, फिर ज़ाहिर है ख़वातीन हैं, मुख्तलिफ आप जेंडर की भी बात करते हैं उस लेवल पर भी, लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि सियासत में जाएं या कहीं भी जाएं तो ज़्यादा हमें मर्दों से वास्ता पड़ रहा होता है या ख़वातीन भी बहुत कम हैं और अक़लियती नुमाइंदे तो बहुत ही कम हैं, लेकिन सहाफ़त में भी बहुत कम है। ये भी एक इशू है। तो बड़ा ढूंढ के हमने आपको निकाला है और ये प्लेटफॉर्म चूँकि बात है हमारे हकूक़ की, बिल्कुल बात है रियासत की तरफ से दिए गए हकूक़ की और इंसानी हकूक़ की, ठीक है, और उसमें आपका बहुत बड़ा हक है। लेकिन पख्तूनख्वा को मेरा ख़्याल में ये आप क्रेडिट देंगे कि अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो चाहे तीरा हो या फिर शांगला हो, बिल्कुल, तो सिख कम्युनिटी को पख्तूनों ने अपने सीने से लगा के रखा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अब कुछ देर पहले हम बात भी वैसे ही कर रहे थे कि जो हमारे पख्तून है वहाँ पर एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है दूसरी कम्युनिटी को, दूसरी ज़ुबान बोलने वालों को। ये चीज़ हम बात भी इस पर हम करते रहते हैं। चूँकि मैं मुख्तलिफ़ अफरीदी सिख मैं उनसे मिला हूँ, शिनवारी हैं, दीगर हैं, फिर मेरे मुख्तलिफ़ कबाइल के जो बड़े उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हमने इनको यानी इनमें जो कबाइल में फिर मुख्तलिफ़ जो यानी ट्राइब हैं, कबीले हैं, उनमें से हमने इनको कबीले के तौर पर लिया है यानी एक्सेप्ट किया है। अफरीदी सिख हैं, आपने देखे होंगे, उनको बिल्कुल उर्दू नहीं आती, वो पंजाबी नहीं बोल सकते हैं। तो आपने जो बात की कि हाँ पख्तूनों ने, इसमें कोई शक नहीं कि पार्टीशन के टाइम रावलपिंडी में गली कूचों में खून बहा सिखों का, हिंदुओं का। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, उधर भी बहा, दोनों साइड बहा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ की बात करूँगा। इसी तरह हज़ारा में बेपनाह लोगों को कत्ल किया, हरिपुर में लोगों के सर जो है वो टांगे गए गली कूचों में, फुटबॉल उस पर खेले गए, ये हकीकत है। लेकिन अगर कोई बचा, कोई सिख या हिंदू बचा तो वो खैबर पख्तूनख्वा में बचा। और फिर एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत है पठानों की, वो ये है कि कमज़ोर पे हाथ नहीं उठाते। वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं खुद भी कहूँ कई दफ़ा ऐसा, क्योंकि हम कमज़ोर मीन्स के मेजॉरिटी में नहीं है, कम है। ऐसे में अगर किसी ने हमारे साथ मुमारी कर दी तो 10 पख्तून खड़े हो जाएंगे और कहेंगे दोबारा बात करो तो देखते हैं फिर आपके साथ। यानी इस किस्म का स्टैंड लेना ये मैंने वहाँ देखा है, कहीं और नहीं देखा है। तो ये पख्तून की जो ये तस्वीर है ये कभी हमने दिखाने की कोशिश नहीं की है। कभी हमने ये नहीं बताया कि जो सिख हैं वो जिस तरीके से रहते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था अपने गांव के इलाके, जो मेरा इलाका है शांगला के हवाले से, शांगला बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा ही कमाल है। यस, और हम तो वैसे रियासत सवाद जो थी ये तो पाकिस्तान में बाद में जम की गई, जब हमने देखा कि दीर के नवाब को हमने उठा दिया, हेलीकॉप्टर में लाहौर की तरफ चाय पिलाने लेके गए, तो फिर हमारे वाली सवाद को भी ऐसा लगा कि भाई साहब इशारे ऐसे मिल रहे हैं। तो बहरहाल मैं वो एक अलग टॉपिक है। सवाद की रियासत में सिख और हिंदू कम्युनिटी, अब एक और चीज़ भी पाई जाती है हमारे यहाँ कि जो सिख हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में है, वजीरिस्तान में है, दीगर इलाकों में, हमारे यहाँ उनको जिस तरह की सब, मैं इराक़ गया था तो वहाँ पे मुझे अरबी हिंदी बुलाते थे, तो यहाँ पे सिखों को भी अक्सर लोग हिंदू कहते हैं। हालांकि सिखिज़म एंड हिंदूइज़म टोटली डिफरेंट, जैसे आप और क्रिश्चियन में जमीन आसमान का फर्क है। तो वहाँ पे ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। जब पार्टीशन का टाइम हुआ 1947 में, तब उससे पहले कुछ ट्रक्स वगैरह भी आए और ऐलानात भी किए गए कि आप लोगों ने अगर जाना है तो। वाली सवात ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे बच्चे हैं तो इधर ही रहेंगे, तो सवात के लोग हैं, अभी तो हमने इनकी प्रोटेक्शन सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, उन्हें पूछा भी, हमारे बड़ों से, बुजुर्गों से पूछा भी कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा हम कैसे जाएं, अपनी धरती यानी रियासत, अपने मुल्क को कैसे हम छोड़ के जाएं, तो यहाँ सदियों से हैं और ये पाकिस्तान अब आज़ाद हो रहा है, बन रहा है, जो भी व्हाटएवर, लेकिन हम तो यहाँ रहेंगे और यही रहे। और सब दुख सुख, जितने भी दुख सुख हैं वो हमारे सेम होते हैं, शेयर्स होते हैं। यानी मैंने मेरे इलाकों में जब किसी का दुख होता है, यानी दुख मीन की फौतगी होती है, तो हम जाते हैं, मैं अभी गया, मस्जिद में दुआ करते हैं, मस्जिद में बैठ जाते हैं, दुआ हो जाती है, उसके बाद घर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो लोग आते हैं, 3 दिन वहाँ पे दुआ होती है, बाकायदा मुसलमान करते हैं, हम करते हैं, और उसके बाद हत्ता के जो चाय या खाने का बंदोबस्त भी वही लोग करते हैं। मेरे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि सिख कम्युनिटी बहुत कम है। अच्छा। कुछ ही घराने हैं और मेरी फैमिली रह गई है, और उसकी भी वजूहत ये हैं कि मेरे बड़े भाई, जो हमारा अक्सर झगड़ा भी रहता है कि भाई जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना, उनको भी शहर की तरफ लाना है, हमारे रोज़गार भाई उनके सारे बाहर हैं, वो कहते हैं यार नहीं, मैं अपने इलाके से दूर नहीं रह सकता। मेरे वालिद जब बीमार हुए तो वो एबटाबाद में थे, एबटाबाद में वो जब गली कूचे में निकलते थे तो मुझे कहते थे यार हरमीत इतना बेटा, मुझे ना वो याद आया है, वो जब आवाज़ देते थे कि बाबू से पखेरा ले, मुझे वो याद आया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये पखेरा ले, ये जो हमारी चीज़ें, ये जो मिट्टी से मोहब्बत है ना, हम इतने, जाहिर बात है जब मिट्टी में रच जाते हैं तो फिर आपको कोई और चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती। जब आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, जब आप इतनी मोहब्बतों की बात कर रहे हैं, तीरा के भी जो सिख आए, मुझे याद है कि जब हम बाड़ा का ऑपरेशन शुरू हुआ और उससे पहले ये सारी माइग्रेशन पेशावर की तरफ या फिर पंजाब के इलाकों की तरफ हुई, तो उनसे भी बात करते थे तो वो भी बहुत, मतलब हमें फील ही नहीं होता कि ऐसा है। लेकिन फिर वही हरमीत सिंह जो है, आपके भाई परविंदर सिंह की जब टारगेट किलिंग होती है तो कहता है कि इनके कत्ल में रियासत को आप कसूरवार ठहराते हैं, ये फिर क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जो टारगेट किलिंग मुसलसल हो रही थी, सिखों की हो रही थी, आप तो पिशावर में एज ए ब्यूरो चीफ आप काम करती हैं, एज ए जर्नलिस्ट, तो आपको तो ज़्यादा भी मालूमात हैं, सिखों की मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही थी और रियासत बेबस थी। अच्छा। रियासत नाकाम है, अभी तक नाकाम है। उन टारगेट किलिंग्स जितने हुए हैं, टारगेट किलर्स जो हैं उनको मंजरेआम पर लाने के लिए रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक शहरी को जो है तहफ़ुज़ फराम करना। फिर अगर जो लफ्ज़ है अक़लियत, मैं बिल्कुल, मुझे ये लफ्ज़ से नफ़रत है, मैं कहता हूँ कि भाई साहब हमें गैर मुस्लिम पाकिस्तानी कहो यार, ठीक है, अक़लियत क्या होता है, हम तो सेम है। अगर आप कहते हैं कि सारे सब एक हैं तो फिर ये वाला अक़लियत और अक्सियत का जोड़ी ख़त्म कर दो, गैर मुस्लिम है, सिख है, चलो पाकिस्तानी सिख है। तो जिस तरीके से ये टारगेट किलिंग, और कई घर उजाड़ दिए, कई घर तबाह किए, कई बेचारे जो है वो ख़वातीन, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो रुलते जा रहे हैं गलियों में, उनके सहारा कोई नहीं है बनने को तैयार। तो जब मेरे भाई का मर्डर हुआ तो एक ऐसा मर्डर के उसने हमें हिला के रख दिया कि हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, किसी की ज़्यादती नहीं की है। मेरा भाई ये महीने अभी मलेशिया से आया है, 28 अक्टूबर को वो आए थे और अभी उसकी शादी होनी है महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और वो उसके किसी के साथ क्या लेन देन। लेकिन उसका जब कत्ल होता है और फिर जाहिर बात है कि मेरा शक यही था, मैंने कहा कि रियासत रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रियासत ने कत्ल किया है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जिम्मेदारी रियासत है, उसका काम ये है अपने शहरी को तहफ़ुज़ फराहम करना। तो उसके बाद वो बयानिया और उसके बाद आपको याद होगा क्योंकि मैं मीडिया में हूँ और पाकिस्तान में पहला सिख टर्बन एंकर के तौर पर मैंने न्यूज़ पढ़ी और मैं बड़ा वायरल भी था। तो उस पर इंटरनेशनल इंडिया ने अपने मफाद के लिए उस न्यूज़ को उठाया, अल्लाह उनका भला करे उन्होंने उठाया तो अच्छी बात है, यहाँ पे भी ये लोग जाग गए, वरना हमारे यहाँ सिस्टम जागता तब तक नहीं जब तक दुनिया में आवाज़ नहीं उठती। यहाँ पे तो मेन स्ट्रीम मीडिया अगर बात करे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इंडिया में एक कानून पास हो रहा था मुसलमानों के ख़िलाफ़, और वो कानून ये था कि हमने जो बंगाली मुसलमान हैं दीगर मुसलमान को सिटीजनशिप से आउट करना है, और मुसलमान अगर दूसरी जगह से आएंगे तो उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, लेकिन हिंदू और सिख आएंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे। और जाहिर बात है उस चीज़ को उन्होंने केश किया कि देखिए पाकिस्तान का पहला सिख हैंकर उसके भाई को भी नहीं बख्शा, तो हम तो इसलिए चाहते हैं कि हम इन मुसलमानों पर पाबंदी लगाएं और सिखों को ले आएँ, हिंदू को ले आएं, उनको बचाएं, उनके नस्लों को बचाएं। तो उन्होंने मीडिया पे हाइप क्रिएट किया। फिर बहरहाल हिंदुस्तान से आगे जाके कनाडा में, इंग्लैंड में सिखों ने एहतजाज किया क्योंकि मुझे लोग जानते थे। सो मामला जब इमरान खान उस वक्त वज़ीरे आज़म थे और आजकल उसका नाम गुनाह कबीरा है। नहीं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अच्छा मैं बल्कि एक पीटीआई के एक एमएनए के साथ जब हमने पॉडकास्ट किया लास्ट वीक, तो मैं बड़ा ऐसे वो एक सफोकेशन से निकल कर जैसे हमने सांस लिया हो ना, बानी चेयरमैन कभी कभी तो मैं अपने बीपर या तज्जिए में इमरान खान कह जाती हूँ, फिर मुझे कहा जा रहा होता है क्या कह दिया आपने। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक वो कहते हैं ना सफोकेशन से हटकर सांस लिया। मेरे साथ एक बड़ा हुआ भी है वाकया, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा। तो फिर उन्होंने भी नोटिस लिया, वजीर खारजा ने भी नोटिस लिया, शामंद कुरैशी आजकल जोड़ियाला जेल में कैद हैं, इन्होंने भी नोटिस लिया और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बड़ी एक्टिव हुई क्योंकि मेरा जो बयान था वो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल था, इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा था इंसानी हकूक़ की। उस वक्त हम एमनेस्टी इंटरनेशनल के ग्रे लिस्ट में भी थे, तो बर्डन यानी आप पर ज़्यादा प्रेशर था और प्रेशर की वजह से फिर उन्होंने 48 घंटों में जो मुलजमान निकाले तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो मेरे भाई की मंगेतर थी, वो कातला, वो जालिम खातून, तो वो शामिल थी। और बाकायदा उसके फिर भी मैं यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने कहा प्रेशर इतना बिल्ट हो रहा है, किसी बड़ा हाथ इसमें है तो उसको छुपाने के लिए इस खातून को लेके आने कैसे ये मर्डर कर सकती है। लेकिन जब 64 का बयान जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे भाई मेरे साथ थे, तब हमें कुछ ऐसे सबूत दिखाए गए जिसमें वो जो डायन थी, मैं डायन कहूँगा, माजत के साथ खुल के बात होनी चाहिए, तो उस डायन ने मेरे भाई को निगल दिया। सो उसके बाद फिर उसके साथ उनका एक अशना आप कह सकती हैं जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, जो भाई से उन्होंने पैसा लिया था वो दोनों ने एक दूसरे को बांटा था, उनके और दोस्त जो थे उनके अच्छा। बॉयफ्रेंड थे, शायद उससे शादी भी करना चाह रही थी। इन्होंने जाके एक और टारगेट किलर था इब्राहिम, उसको पैसे दिए 50,000 रुपये में, उसने मेरे भाई का 50,000 रुपये में कत्ल किया। तो वो पूरी स्टोरी जब खुल के सामने वो कड़ियाँ सब मिलती रहीं, तो उसके बाद फिर हमने 64 का बयान किया। लेकिन उससे पहले जो मैंने बयान दिया, मेरी जगह कोई और भी होता, जब वो पीछे देखता कि सब जितने भी कत्ल सिखों के हुए हैं, जितनों को भी का भी मर्डर हुआ है, तो उसमें तो अभी तक किसी का पता ही नहीं चला है। बहुत सारों के हवाले से ये भी कहा गया, पेशावर में स्पेशली जो हुए कि उसके पीछे दाइश इन्वॉल्व थी, बकायदा प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा गया। तो पहला वो भी आया कि शायद यहाँ दाइश इन्वॉल्व हो सकती है, यस कहा गया। तो आपका दूसरे सिख कम्युनिटी के लोगों से भी जिनके मर्डर हुए उनसे भी रब्ता रहता होगा, तो क्या वो भी पीछे दाइश ही थी या लेकिन उनकी भी अपनी कोई ज़ाती दुश्मनी निकल आई? देखिए जी, ज़ाती दुश्मनी तो क्या, वो मैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सुहेल खान, उसने मुझे एक दिन पूछा कि हरमीत पेशावर में जो सिख रहते हैं अभी तक उन पर कोई मुकदमा ही नहीं है, FIR तक नहीं है, तो बेचारे तो हम लोग सहमे हुए हैं, हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है। हम तो जो चलती राह पे जो मुर्गी है उसको ज़बह करने में 10 बार सोचते हैं कि भाई साहब जो मुर्गा आएगा वो उसकी बात भी सुननी होगी। तो इतना नहीं है कि हमारी कोई दुश्मनी है। तो कम्युनिटी किस नतीजे पर पहुंची? वाकई उन 3-4 केसेस में दाइशी थी। मैं तो ये क्योंकि मैंने कम्युनिटी से जो रब्ता किया तो बेचारे भी डरे होते हैं, सहमे होते हैं, बात खुल के करते नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने बताया होगा कि यहाँ कोई थ्रेट आई, देखिए 2-3 चीजें दो तीन साइंस होते हैं ना, आपको कोई थ्रेट आती है उस दहशतगर्द तंजीम के हवाले से जिसको हम दाइश कह रहे हैं, या कोई और भी तंजीम हो जो कि मर्डर कर रही है, टारगेट किलिंग कर रही है, या किसी वाकये में इन्वॉल्व है, जैसे जिम्मेदारी भी कबूल कर लेते हैं उन्होंने की, तभी कहा मर्डर की। मैं कहता हूँ कि सारे मर्डर की, मैं तो अभी लास्ट मर्डर की उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इस किस्म की एजेंसीज एक्टिव हैं मुख्तलिफ जगहों की, उसमें आप ये कह सकती हैं कि ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं बग़ैर किसी खौफ के ये बात कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट जो है हमारे भारत की भी होती है, रॉ की भी होती है। अच्छा। जिसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को किस न किस तरीके से दुनिया में इसका एक स्याह चेहरा हमने दिखाना भी है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी जो है, मतलब काफ़ी हाथ इन्वॉल्व हैं, बहुत हाथ इन्वॉल्व है सिखों के स्पेशली मर्डर में, क्योंकि सिख जो है पहचाना जाता है। नहीं आप, मैं ये, मेरा सवाल ये था कि आपकी जब अपनी कम्युनिटी से बात हुई, बड़ों से, तो क्या उन्होंने कुछ बताया कि पेशावर में जो कुछ हुआ उसमें क्या वाकई कोई थ्रेट वगैरह थी उन्हें? नहीं, नहीं, किसी को कोई थ्रेट नहीं, कोई थ्रेट नहीं। आप सुबह सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने बच्चों को चॉकलेट देते हैं, जब आप दुकान जाते शख्स मोटरसाइकिल पे आता है आपको गोली मार के चला जाता है, तो जब आपको पता होगा कि थ्रेट्स हैं तो फिर एहतियात आप करेंगे ना। जब ये सारे, अच्छा फिर उसके बाद कुछ ये हुआ कि पुलिस जो है केपीके की पुलिस उस वक्त जो ये रिजीम चेंज हुआ तो निगरान सेटअप आया, अभी जो लास्ट टाइम 2-3 सिखों को मारा गया, नौजवानों को, तो पुलिस जो है उनको भी फिर इनको कहा गया कि जहाँ जहाँ आपकी कम्युनिटी रहती है हम वहाँ पे आपको पुलिस प्रोवाइड करते हैं। अब आप मुझे बता दें कि इन पुलिस वालों के साथ लेके आप कहाँ घूमेंगी, कहाँ जाएंगी, आपने रिश्तेदारियाँ भी, आपके गम दुख सुख भी हैं और चीज़ें भी हैं। उसके बावजूद फिर ये भी हुआ कि पुलिस जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती गई सिक्योरिटी से। अच्छा। बहुत सारी जगहों से, यानी मर्दान से, मुझे सिख कम्युनिटी से मेरा रब्ता था, तो उन्होंने कहा भाई हमें, पुलिस वालों ने कहा भाई सब हम अपने आप को नहीं बचा सकते, आपको क्या बचाएंगे। और पुलिस की ये बात है, 2 पुलिस वाले देने से आप 20,000 की आबादी या 25,000 की आबादी को कैसे करें। फिर दूसरी एक अहम बात जो हम अक्सर देखते हैं, यकीनन आप भी फील करते होंगे, खैर आपके लिए तो ये है कि शांगला के मुसलमानों ने आपको शमशान घाट के लिए ज़मीन भी दी, बिल्कुल दी, ठीक है ना, लेकिन जब पेशावर के लोगों की बात करते हैं, सिख कम्यूनिटी की बात करते हैं या कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे शमशान घाट भी नहीं था, तो 2 पुलिस वाले देने की बजाय आप पहले शमशान घाट दे दें, वो दे देते हैं। देखो नहीं, ये आप देखिए बुनियादी हुकूक जो हैं आपके लिए, अगर कब्रिस्तान नहीं होगा तो आप कैसे अपने मुर्दे को दफनाएंगी आप। ये तो मेरा हक है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि मैंने, अगर शमशान घाट मुझे चाहिए, मैं अगर इंसान ने जीना भी और मरना भी है तो मरने के लिए तो बंदोबस्त होना चाहिए। आपने, हमने जो शमशान घाट है वो ज़मीन तक नहीं दी, और जहाँ ज़मीन देते हैं वहाँ आबादी होती है, वहाँ लोग कंप्लेंट कर लेते हैं जी। अच्छा, आप निकलते हैं पेशावर से, जाते हैं आप अटक की तरफ जाते हैं, इतना दूर आपको सफ़र, अब उसमें बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। चलो हमारी कम्युनिटी में ये है कि एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ शिया कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करती है, इसी तरह सिख भी एक दूसरे की बड़ी हेल्प करते हैं। लेकिन आप देखिए ना कि पेशावर में बहुत बड़ी आबादी है, उनके लिए शमशान घाट तक नहीं है। अच्छा, जो हिंदू हैं उनके लिए भी शमशान घाट नहीं है, यानी वो बेचारे भी इसी तरह, बहुत सारे जो वाल्मीकि हैं वो बेचारे तो दफनाते हैं, कहते हैं अब क्या करें, जगह रसमेल खान में भी मेरे ख्याल में दफनाते हैं। तो आप जो, यानी जो रियासत की जिम्मेदारी थी, आप मुझे ये बताएं कि हम कहते हैं ना वो 14 अगस्त के दिन कुछ हमारे कुछ सिख भाई वो बेचारे क्या करें, मजबूर होते हैं, उनको कुछ झंडे दिए होते हैं, उसमें डंडा भी होता है, वो ऐसे घुमा घुमा के, बेज लगा लगा के, कुछ ग्रीन पगड़ियाँ बांध बांध के, तो बेचारों ने करना भी होता है, रहना इधर ही है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद तो इधर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आप ये कहती हैं कि भाई साहब हरमीत सिंह रियासत के खिलाफ बात है, तो मैं तो इस रियासत को सबसे ज्यादा पहले एक्सेप्ट मैं नहीं किया, मेरे पास तो 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन ये था कि आप जाना है, कि आपने हिंदुस्तान जाना है कि इधर रहना है, और मैंने कहा नहीं भाई साहब। मुझे परसों लाहौर में एक शख्स मिला, तो मुझे कहता है कि यार कुछ बातें इतनी हुई, तो कुछ तल्ख बातें भी हुई, तो मैंने कहा मैं तो रियासत के साथ, मैं तो मट्टी के साथ वफादार हूँ। वफादार तो आप नहीं, आपके दादा नहीं थे, वो तो भाग के आ गए थे अपनी सरजमीन को छोड़ के। मैं तो तमाम तर मसाइल के बावजूद अभी भी इधर बैठा हूँ, नहीं गया हूँ, मेरा दादा नहीं गया है, तो हमें क्रेडिट दो यार, हमने एक्सेप्ट किया, दिल से किया, हमारे पास ऑप्शन थे। तो आपकी ये जो असम्बली में आप लोगों के नुमाइंदे जाते हैं, नुमाइंदे, हाँ, वो भीख वाली सीट जो मिलती है हमें, भीख में मिलती है ना खैरात, ये ताना भी तो मिलता है हमें। अच्छा, ताना नहीं, ये भीख की सीटें हैं जो आपको मिलती हैं। आपने खैबर पुख्तनख्वा के रंजीत सिंह MPA हैं, उनको क्या ताना दिया गया था? ओए चुप कर, आप खामोश रहें, आप क्या बात करते हैं, आपको तो खैरात में सीट मिली। इसी तरह बलूचिस्तान में वो एक हिंदू बोल पड़ा अपने मसाइल पे, मुसलमानों के मसाइल पे बोल पड़ा, उसको कहना चुप हो जाओ यार, खैरात में आए हो। तो कोशिश की आप लोगों ने कि फिर जनरल सीट पर भी हर दिन कोशिश, जनरल तो आप तो खड़े हो सकते हैं, आप तो पाबंदी तो नहीं है। अच्छा, पाबंदी तो बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पाबंदी मतलब पाकिस्तान का आईन यस नॉन मुस्लिम को रोकता नहीं है कि आप जनरल सीट पर खड़े हों, बिल्कुल नहीं रोकता। तो फिर क्यों नहीं होता? तो हमारे पास आपको पता है कि यहाँ पे तो आप अगर दूसरे मसलक का बंदा भी आ जाए उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो गैर मुस्लिम को कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन वोट देगा, मुझे ये बताएं, नहीं देंगे। हाँ, हिंदू वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है सिंध में, तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ हिंदू इलेक्ट होके आते हैं और बड़े पावरफुल होते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब एमपी भंडारा, यानी मैं शांगला की बात करता हूँ, तो मेरे गांव में बिजली जो है ये मेरे दादाजी के कहने पर लाई गई थी। बिजली नहीं थी, अंधेरा था, मेरे दादाजी से उस वक्त SDRH की कुबाद वहाँ MNA बनने के लिए आए थे, कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उसने कहा अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं आपके लिए बिजली लेके आऊँगा। तो जब वो इलेक्शन जीत गए, मेरा गांव का स्टेशन हमने उनको जितवा दिया, हालांकि उसमें भी कुछ सिख कम्युनिटी आती थी और हमने उस स्टेशन को जितवा दिए। तो बाद में मेरे दादाजी को कहने लगे यार ये बिजली लाना बड़ा मुश्किल काम है, आप इस तरह करें कि इस्लामाबाद में कोई प्लाट वगैरह ले लें, कुछ जॉब्स हमको आपको दे देंगे, वैसे भी आपके कुछ ही नवासे हैं तो उनको जगह वगैरह दे देंगे। दादाजी ने कहा मैं पख्तून हूँ और पख्तूनों के बीच में रहता, तो मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगा, वो कहेंगे कि आप भी बिक गए, आपका ज़मीर भी बिक गया। तो ऐसी ऐसी मिसालें बहुत हैं। तो मैं ये बात मिसाल देने का मकसद ये था, ये जो एग्जांपल मैंने दी कि इतने पावरफुल थे हम जो इलेक्टेबल्स थे, ये जो सेलेक्ट करके इनकी मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोगों में जानता हूँ जो पैसे दे के बाकायदा आते हैं, पार्टी को पैसे दे के वो आके आ जाते हैं। तो आपकी नुमाइंदगी फिर ना कर रहे हैं ना, वो जाके, मैं आपको ये बताऊं, मैं कई प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूं कि अभी तक फोन तक आपका कोई नहीं उठाता है। ये जो अकलियती नुमाइंदे होते हैं ना, ये इंतहाई सुस्त, इंतहाई काहिल, इंतहाई नाकाबिल, नालायक। और मैं ये कोई ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं पॉलिटिक्स में मेरा कोई इरादा है, अगर होता तो मुझे 2 दफ़ा अब तो पख्तूनख्वा असेंबली में भी सीटें बढ़ गई ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे 2 दफ़ा केयरटेकर सेटअप के लिए ऑफर हुई है, अभी रिसेंटली KP के लिए और फेडरल के लिए। मुझे कोई सियासत में आना नहीं है, मैंने अपनी सहाफत ही करनी है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जिन नुमाइंदों को आप टिकट देते हो, चलो सेलेक्ट करते हो, कोई इंसान के बच्चे तो ले आओ, बात तो कर सके, बात तक नहीं कर सकते। सुने ना, ये हमारे बहुत सारी कंसल्टेशन भी होती है, तो उसमें यह है कि हम भी ये बात करते हैं आपके कम्युनिटी से, सिर्फ सिखों की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदुओं की बात कर रही हूँ, क्रिश्चियन की बात कर रही हूँ, उन सब से हम ये कहते हैं कि आप फिर खुद अपनी कम्युनिटी की बेस पर ये कंसल्टेशन क्यों नहीं करते हो हर गली मोहल्ला, हर ज़िला में, कि जो आपका नुमाइंदा चुना जाता है वो कम आपकी मर्जी से चुना जाए। कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं ना, अब PTI को निकाल लेते हैं, चलो कहाँ जाता है, बड़ी ईमानदार है, चलो खान ईमानदार है, वो मैं भी मान ले लूँगा, दुनिया भी मानती है, चलो मान लेते, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। लेकिन क्या अकलियतों की सीटें नहीं बिकी हैं पिछले इलेक्शन में? क्या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में भी बिकी हैं? हर इलेक्शन में बिकी है। इस इलेक्शन में तो उनको बेचारों को तो साइड पे किया, लेकिन दूसरे जो नून लीग हैं, पीपल्स पार्टी हैं, उसमें मुझे बताएं कि 1-2-3 नुमाइंदे बेचारों को ऐसे लोअर क्लास से लाने की कोशिश, ताकि इंटरनेशनली उसके कैप्चर किया जा सके, प्रमोट किया जा सके और अपना फ़ायदा उठा सके। लेकिन ज़्यादातर सरमायादार हिंदू आते हैं आपके उधर से, सिंध से। इधर क्रिश्चनों में जो सबसे ज़्यादा अमीर होगा, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा उसकी होगी, वही इसको नुमाइंदा होगा, या एस्टैब्लिशमेंट के करीब होगा तो उसकी बना देते हैं। वैसे सिख कम्युनिटी जो है वो बाकी कम्युनिटीज़, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ की निस्बत ज़रा मुझे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी लगती है। आपको लगता है? क्योंकि अगर मैं क्रिश्चियन को देखती हूँ या हिंदू कम्युनिटी को देखती हूँ, पख्तूनख्वा में हो या सिर्फ पेशावर या ओवरऑल पख्तूनख्वा में, हम इस, चूँकि फ्रंट लाइन का मुकदमा है तो फ्रंट लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वो 2 कम्युनिटीज़ बनिस्बत बड़ी लो क्लास में लगती हैं। लाइक उनके लोग आते भी हैं तो क्लास 4 की जॉब होगी, कम पढ़े लिखे होंगे, है ना, लेकिन सिख निस्बतन बिजनेसमैन है, बेहतर है, तो ये भी क्या नहीं कर सकते? देखिए, मैं एक बात बताऊँ जी, कि ये एक चीज़ तो इसको रख लेते हैं। एक तो रियासत ने, सियासत के निसाब ने, रियासत के बयानी ने हिंदू बेचारे को के साथ बड़ा जुल्म किया है। ये हिंदू, क्या ये हिंदुस्तानी हिंदू है? आप हिंदुस्तानी को गाली दो ना, हिंदू को क्यों देते हो? हिंदू तो मजहब है। बेचारों को आपने इतना लोअर क्लास रैंक पे पहुंचा, हालांकि इंतहाई इंटेलेक्चुअल तबका है, इंतहाई पढ़ा लिखा, सिंध की खुशहाली में और एजुकेशन में सबसे बड़ा हाथ हिंदू का है, पाकिस्तान की मीशत में हिंदू रीढ़ की हड्डी के तौर पर भगवान दास जो आपके इसके जो वालिद थे, उससे पहले राणा चंदर मेरे ख्याल में उनको अगर आप देखें, बहुत बड़े बड़े नाम मैं गिनवा सकता हूँ जिन्होंने इस रियासत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक हिंदुस्तान के साथ लड़ाई की वजह से उन हिंदुओं को भी लोअर में गिना जाता है। और स्टेट की पॉलिसी रही है कि चाहे वो मीडिया में दीगर जगहों में उतना सपोर्ट उनको नहीं किया जाता। आपने क्रिश्चियन की बात की तो क्रिश्चियनों के साथ तो बेचारे जो हैं उनको उनके लिए तो क्लास 4 की जॉब ही रखी गई है ना। अब आपने हमारी बात की तो हमारे यहाँ चलो मैं एक चीज़ को थोड़ा सा ले लेता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें इस्तेमाल भी करना था फ्रंट पे। खालिस्तान तहरीक शुरू होती है तो फ्रंट पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना था ना, तो उस वजह से या सिख का जो बैकग्राउंड था, क्योंकि पार्टीशन से पहले सिख वाज द रूलर, यहाँ के हुक्मरान थे हम। तो वो जब आप हुक्मरान तबके में होते हैं तो फिर आप का जो DNA आपके जो जीन्स है उसमें थोड़ी सी चीज़ें अब आ जाती हैं, सुपीरियर आप अपने आपको समझते हैं। ये चीज ये एलिमेंट भी पाया जाता है। जो सिख हैं वो कहते हैं नहीं करेंगे ये काम, ये झाड़ू वाला काम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में दुनिया में हर काम कोई बुरा नहीं है, काम हर ठीक है, हर अच्छा है, काम है। लेकिन बहरहाल रियासत ने फिर एक पॉलिसी ये की कि मुसलमान का नाम ही नहीं होता है, जब वो झाड़ू पोछा करना हो तो किसी क्रिश्चियन का नाम या गैर लिखा होता है अकलियती नशिस्त, तो सिख तो उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। हिंदू जो अपर हिंदू होता है, हिंदुओं में बड़ी क्लास है, तो उसमें जो बेचारा वाल्मीकि होता है जो एक अलग रिलीजन है वाल्मीकि, या जो लोअर क्लास हिंदू है जिसको शूदर कहा जाता है, वो अप्लाई कर देता है। बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, पढ़ा लिखा वो होता नहीं है। जो खस्त्री है, जो ब्राह्मण है, वो कभी नहीं करेगा। और सिखों में तो मैंने वही बात की कि पार्टीशन से पहले हम हुक्मरान तबका में थे। एक बड़ी अजीब सी बात की, हुक्मरान तबके के अलावा कि आपका अपना वो है कि आपने नहीं चुनने की जब बात आती है कि आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने कौन सी जॉब में, कौन सी फील्ड में जाना है या कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। लेकिन आपने दूसरी बड़ी अजीब सी बात की कि रियासत ने आपको इस्तेमाल किया बिकॉज ऑफ खालिस्तान। ज़ाहिर बात है, कैसे? खालिस्तान तहरीक जब शुरू होती है तो सपोर्ट किसका था? ज़ियाउल हक ने जब कहा था कि ज़ियाउल हक यानी आपको पता है कि 1947 में, उससे पहले मुसलमान और सिखों की बिल्कुल बंदी नहीं थी। उसकी वजह ये कि जो कत्लेआम हुआ था दोनों पंजाब में हुआ था, वहाँ से पंजाबी आया, यहाँ से ट्रेन भरी गई, वहाँ से ट्रेन भरी आई, तो वहाँ के पंजाबी ने कत्ल किए, यहाँ के पंजाबी ने कत्ल किए। तो सिख का इमेज एक ख़तरनाक किस्म का था। लोग रात को, बल्कि आपके पश्तूनों में भी एक चीज़ होती थी कि वो उदशा हरियर आ गए, रंजीत नसिया, ऐसे होता था। रंजीत नसिया, रंजीत क्या था? कैरेक्टर था, किरदार था, जिसने वो काबुल तक गवर्नमेंट की हुकूमत की, किसी पठान पर किसी और ने हुकूमत की नहीं है, सिर्फ सिखों के अलावा, महाराजा रंजीत सिंह के अलावा। हरी सिंह नलवा कौन था? जमरूद में उसका कला है, वहां तक कई गांव एक अकेला लड़ा। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब खालिस्तान तहरीक शुरू होती है तो जाहिर बात है पाकिस्तान के तो हमारा तो काम यही था कि हम कहीं ना कहीं जाके अब हिंदुस्तान को तो टूटे टूटे करना है। ज़ियाउल हक के बयानात पड़े हुए हैं। तो फिर कई सिखों ने यहाँ पे पनाह नहीं ली, कि आज नहीं ली थी, आज तक नहीं ली थी, या उस दौर में कितने सिख आते थे। और अब भी अगर आप देखें बहुत सारी किताबें जो सिख राइटर ने लिखी हैं उसमें भी अगर आप देखें तो कहाँ से क्या सपोर्ट मिलता था वो सबको पता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि सिख को सामने लाना टेलीविज़न के या मीडिया के थ्रू, के ज़ियाउल हक ने एक नया बयान बिल्ड किया कि सिख मोनोथीस्ट है, वो एक खुदा को मानता है, वो एक रब को मानता है, वो हमारे करीब है। बाबा गुरु नानक जी मक्का मदीना भी गए, हालांकि वो फ़लसफ़ा डिफरेंट था जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई बाबा जी को। तो आप कहते हो कि आपको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो माजी में हुए हैं। और अब तो जाहिर बात है कि अब हमारे सिख भी बेचारे सियाने हो गए हैं। और उस ज़माने में लेकिन खालिस्तान तहरीक में पाकिस्तानी सिखों का कोई बड़ा रोल नहीं था। मैं 2-3 4-5 सिखों के अलावा आप उस दुनिया में नहीं रहे हैं, 2-3 4 पुर्जे इधर होते हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश। जाहिर बात है बयानिया बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। जिस तरह बलूचिस्तान को में एक नई जो तहरीकें बनी है, BLA वगैरह जो बनी है, तो उसको कौन सपोर्ट करता है? वो तो खुल के कहते हैं कि अगर हिंदुस्तानी इसराइल भी हमें सपोर्ट करते तो हम हाजिर हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि चूंकि वो पड़ोस के साथ एक जंग की कैफियत शुरू हुआ है तो उसमें पाकिस्तान के लिए जो सिख कम्युनिटी है वो एक मोहरे के तौर पर है, और एक ऐसा मोहरा है। अभी नहीं, अभी अच्छा एक और चीज़ अभी जो आपने एक बात की कि ये जो हिंदू है, क्रिश्चियन है और सिख अपर आ जाता है और उसको थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है, फिर उसको के लिए एक बहुत बड़ा दरबार साहब करतारपुर साहब को कॉरिडोर खुला गया। अच्छा, सिख का वर्ल्ड वाइड इमेज बहुत पोलाइट है। अच्छा, यानी अगर आप दुनिया घूमी है, गुरुद्वारे को देखिए, या फिर वो दूसरा टच सूफीज्म का टच अगर आप उसको स्टडी करें तो एक सॉफ्ट जो इमेज है, एक वो दूसरी ये जो मेरी लुक है, यानी जो दस्तार मैंने सर पे रखी है और जो मेरी लुक है वो मुझे मुख्तलिफ कर लेती है। यानी पता लग जाता है कि सरदार अगर करोड़ों में खड़ा है तो सरदार नजर आएगा कि सरदार जी सामने खड़े हैं। तो ऐसे में हमने दुनिया को भी दिखाने के हमारे पास भी कुछ पांडे मौजूद हैं। पांडा नहीं होता जंगल में, जब आप जाती हैं और जंगल में लोग इधर शेर से तो लोग डरते हैं, उधर से जाके औरों से भी डरते हैं। जब पांडा देखते हैं तो उसको केले भी खिलाते हैं, कितना क्यूट है। तो वही चीज़ क्योंकि हमें पांडे के तौर पर दिखाया भी जाता है कि कुछ हमारे पास भी इधर मौजूद है। तो आपने देखा होगा कि होली आती है, मुझे एक बात बताएं, चलो आप एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, आप होली आती है, दीपावली आती है, वाल्मीकियों के कितने फंक्शन हो आपको पता भी नहीं होगा। क्रिश्चियनों का क्रिसमस इसलिए आप सेलिब्रेट करें, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है। फिर आपने बेचारे तो भी थोड़े जगह चर्च में जाना होता है, थोड़ा बहुत दिखाना होता है कि हम बड़े लिबरल है। लेकिन जब सिख कम्युनिटी का त्यौहार होता है, क्यों इतना पोर्ट्रेट करते हैं? उसकी वजह ये है, इसके पीछे भी एक सियासी वजह है। नहीं, इसकी वजह ये है ना कि हम दिखाते हैं कि भाई साहब हमारे पास जो दस्तारें दिख रही हैं, इट्स मीन, क्योंकि पता नहीं चलता है कि वो हिंदू है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन और मुसलमान और हिंदू में फ़र्क नहीं महसूस होता। इधर पगड़ी चलती है, बिक जाती है कि भाई साहब ये देखिएगा सरदार भी साढ़े कोल है। तो जाहिर बात है, पोर्ट्रेट तो करना होता है, अपने दिखाना होता है, दुनिया को बताना भी होता है कि भाई साहब हम बड़े लिबरल हैं, हमारे पास अकलियती कम्युनिटी है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो अपने सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और हमको टीवी पे भी दिखा रहे हैं क्योंकि दस्तार दिखती है, फिर बिकती भी है। एक और बात भी है, मुझे कुछ नॉन मुस्लिम जो हैं वो, हम जब आप द रिकॉर्ड बातें कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, दोस्त हैं हमारे, उनसे बातें कर रहे होते हैं, तो जैसे मैं अपनी मिसाल दूं कि मैं भी एक ब्यूरो चीफ हूँ और मर्द भी ब्यूरो चीफ है, लेकिन मुझे खुद को साबित करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी। ऐसे ही क्या जो नॉन मुस्लिम है और स्पेशली आप जाहिर है सिख कम्यूनिटी के हैं, क्या आपको खुद को पाकिस्तानी साबित करने के लिए और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी साबित करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है? बिल्कुल, एग्जैक्टली उसकी वजह मैं बताता हूँ। क्रिकेट का मैच होता है ना, आप जाएं बुनेर जाएं, और बुनेर में जाएं, सवात में जाएं, दीगर इलाकों में जाएं, बल्कि मेरे इलाके में भी ये रिवाज बहुत ज़्यादा था। वो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी, वो भी बताऊँगा आपको। तो क्रिकेट मैच जब इंडिया हार जाता था, तो अभी भी रिसेंटली मैं गया हूँ और बाकायदा कई जगहों पे तो घरों के सामने फायरिंग भी हुई है। बुनेर की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब हमने हिंदुओं को हरा दिया। अरे भाई साहब, हिंदुओं को हराया तो आपके घर के सामने क्यों फायरिंग हो रही है? तो वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, यानी आपके मुल्क को। अभी परसों की बात है, एक बड़ा पढ़ा लिखा बंदा मुझे कहता है, वो थोड़ा जड़ा पंजाब हैगा ना, मैं कि मेरा कड़ा पंजाब है, मैं तो केपी दा। नहीं तो अभी तो आप कह रहे थे कि इतनी मोहब्बत, दोस्ती, देखो दो चीजें हैं, दो रुख होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये माहौल तो आपका नहीं है, पर पुराना भी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें तो होती हैं। यस, व्हाई नॉट? क्या वक्त ने उसको मजीद बिगाड़ पैदा की है कि नहीं? देखो, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरीके से हम चीजें देख रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता एग्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हमारी चीज़ में बड़ी ज़्यादा बन गई, इंतहा पसंदी प्रमोट हो गई है। अब मैं अपने इलाकों को उस जाता हूँ, माजी में देखता हूँ, अपने बड़ों की बातें सुनता हूँ, अपनी सुनता हूँ, वो डिफरेंट है। अब चीज़ें मैं देखता हूँ बड़ी मुख्तलिफ है। और दूसरी बात जो आपने की ना कि देखो, मैं ट्विटर पर लिखता हूँ, नीचे क्या कमेंट्स होते हैं आपको पता है? क्या जाओ ना इंडिया, उधर आज़ादी लो ना, आप तो उधर आज़ाद होंगे, आप इंडिया क्यों नहीं जाते हैं? जो मुखालिफ पार्टी के लोग हों आजकल, तो क्योंकि आजकल हम, आपको पता है कि जिस पे जुल्म होता है, हमारा काम यही है कि हम उसके खिलाफ बोलते हैं। जब नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हो रही थी, तो मैं पहला सिख एंकर था, आप जाके गूगल कर सकती हैं, जब नवाज शरीफ साहब ने मुझे हाथ जोड़े और कहा सरदार जी मैं बहुत परेशान हाँ, मैं तुसी अरदास करो मेरे वास्ते, और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो क्लिप। तो तब मैं पटवारी नहीं था, तब मैं पटवारी था, आजकल मैं यूथिया हूँ। तो जो पार्टीज़ हैं वो फिर आपको कमेंट सुन के आप देखेंगे तो वो भी बड़े दुखी होते हैं, बड़े तकलीफ दे होते हैं। जो मैंने क्रिकेट की बात की वो आज भी है, आप किसी भी सिख हिंदू से पूछ लें, जब इंडिया जीत हारता है, हारने में तो फिर ये जाके बड़े खुश होते हैं, जब वो जीतता है तब जाके फिर ये गिली कूचू में गायब हो जाते हैं। ये चीज़ तो अभी भी है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि हमें ज़्यादा अपने आप को शो करना, वाकई शो करना होता है। मैंने आपके जो शुरुआत में बात की कि हमारे को पिशावर के 2-3-4 सरदार हैं, इसी तरह कुछ प्रबंधक कमेटी की जो है इन्होंने ग्रीन पगड़ी लगाई होती हैं, हैं झंडे बड़े आज़ादी के लिए, और ये जो झंडा है फिर उसमें डंडा। यार देखो पाकिस्तान से हैं, हमें मुताबिक किस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए? इससे और क्या बड़ा सर्टिफिकेट हो सकता है कि आपके दादा परदादा जो इंडिया छोड़ के आए, मेरे तो यहाँ रहें, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैंने तो अपनी मट्टी के साथ बेवफाई नहीं की। तो क्यों आप अपने आप को फिर क्या कमज़ोर फील करते हैं या क्या होता है? कि जैसे मैं अपनी ही मिसाल से मैंने बात की ना, तो मुझे मेरे अंदर कहीं ये फीलिंग थी कि मुझे खुद को साबित करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, है ना? आपको भी ऐसे ही लगता है कि आप चूँकि कमज़ोर हो, कमज़ोर आपको माशरा जिस नज़र से देखता हो, जिस तरीके से उसका रिएक्शन होता है। यानी आपने बात की कि ख़वातीन के हवाले से, जेंडर के हवाले से भी ये प्रॉब्लम है, और फिर उसके साथ साथ जो यहाँ के गैर मुस्लिम हैं उनके साथ भी है। आप मुझे एक बात बताएं, जहाँ पे शिया कम्युनिटी होगी और वहाँ पे सुन्नी होगी, तो अगर शिया कम्युनिटी ज़्यादा है तो सुन्नी कम्युनिटी उनके सामने उस तरह नहीं होगी। इसी तरह जो शिया कम्युनिटी जहाँ पे कम होगी, सुन्नी उन पे पावरफुल। इसी तरह अगर हम हैं तो हमारे ऊपर हावी है आपकी कम्युनिटी, तो हम तो एनी टाइम दबाव में रह सकते। हम तो यानी अगर आप लोगों में पठानों में जो लोअर क्लास का होता है ना, लोअर क्लास क्लासे तो हैं, जाते हैं, जो लाहा हो गया, चमियार हो गया, इन लोगों को आप नहीं बिठाते। मैं तो मुझे पता है सारी चीज़ों का। तो अगर मेरी उसके साथ भी लड़ाई होगी तो 10 और ताने देंगे कि भाई साहब है आपने आपको सिखने मार दिया, तो फिर और भी जुलाहे जो हैं वो आएंगे मुझे मारने के लिए। हाँ ऐसी की तेजी, तू गैर मुस्लिम होके काफिर होके तू साढ़े जुलाहे नो मारे, साढ़े मुसलमान नो मारे। सो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन माशरा जो आपने बात की कि हर मीत एक तरफ आप पॉजिटिव भागते हो, दूसरे तो जाहिर बात है माशरे में दो किस्म की चीज़ें होती हैं। और बींगा जब आप सप्रेस होते हैं यानी दबे होते हैं, तब आप महसूस बहुत करते हैं। अच्छा एक और बात है ना अमित, कि अगर मैं कुछ साल पहले चली जाऊँ, लाइक मैं अगर 2 टिकट पहले की बात करूँ, 9/11 से पहले की बात करूँ, जब मैं जर्नलिज़म कर रही थी या 2006-7 तक मैं जर्नलिज़म कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ जो सोशल प्रेशर है ना वो मुझे थोड़ा सा पीछे धकेलता है बाज़ औक़ात मर्दों के मुकाबले में। ठीक है कि मैं औरत हूँ और मेरे सर पे दुपट्टा, मैं पर्दा नहीं कर रही, मैं टीवी पे कैसे आऊँगी, वो एक इम्प्रेशन होता है ना। घर वालों का भी ये होता था कि तुम टीवी पे कैसे आओगी वगैरह वगैरह। लेकिन आप फिर एक वक्त फिर मुझे फ़ील हुआ आफ्टर 2007 कि एक और अब प्रेशर मेरे ऊपर आ गया है, और वो ज़ाहिर है तालिबानाइजेशन बढ़ गई। ठीक है, वो मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती गई। तो पहले तो सिर्फ कल्चर मेरी रुकावट था, मसला था। अब ये वाला भी मसला आ गया कि आपका चेहरा आपके लिए मसला बन गया। आपको याद होगा कि जो इसकी MMA की हुकूमत थी, तो बिल बोर्ड्स को काला रंग लगा दिया। गाड़ियों में गाने नहीं सुन सकते थे। लड़की की अगर वैसे हमारी ख्वाहिश होती थी करिश्मा कपूर को देखें, लेकिन उन्होंने उस पर भी बैन लगा दिया। ठीक है, तो वो जो एक माशरे में एक और इंतहा पसंदी का परवान चढ़ गई। आपको भी ऐसा फील हुआ? क्यों नहीं होता हुआ? तो आपका कैसे वो खौफ? देखो मैं अगर एक बात बताऊँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट, अगर मैं अभी चेहरा मेरा एस्टैब्लिश हो गया है, तो क्या आपको पता है कि मैं बहुत एहतियात करता हूँ फिरने टुरने पे आज़ादाना तौर पर, जिस तरीके से मैं इन इलाकों की बात, अपने इलाके में तो बादशाही होता हूँ मैं, लेकिन जाते हुए कई चीज़ों का आपको एहतियात करना होता है। आपको ये भी पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बात में और आपके बात में, यानी जो दूसरा है यानी मर्द है, मुस्लिम है, उसकी बात में, आपकी और मेरी बात में, उसको अगर मुकाबले में ले आते हैं, मेरी आपकी बात में इसलिए वजन होगा कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें या सो कार्ड दुनिया की, जो इंसानी हकूक़ की सो कार्ड मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी रवैया चेंज है, लेकिन वो आपकी बात को ज़्यादा तस्लीम करेंगे, मेरी बात को भी बयानी के तौर पर लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे यह तो दबा हुआ, ये खातून जो है यहाँ पर तो रिस्पेक्ट नहीं होती खातून की और एक सप्रेस है, तो इसलिए आपके बयानी को इंटरनेशनली अच्छा देखा जाता है, पाकिस्तान में नहीं देखा जाता। जो आप बात करिए माइनॉरिटी का बंदा हो गया, तो मेरे जैसे मेरा अगर एक ट्वीट है तो वो इंडिया भी उठाएगा, वो दूसरा तो दुनिया भी उठाएगी, तो फिर यहाँ पे आपको और प्रेशर भी बर्दाश्त करने होते हैं। और चीज़ें भी आपको देखनी होती है कि भाई साहब मैं जो बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर दूसरी बात जो आपने ऐड कर दी, एक तरफ तो जो प्रेशर की तरफ मैंने इशारा दिया, आप समझदार हैं, समझ गई हैं आप। दूसरा प्रेशर आपने आजकल जो एक्सट्रीमिज्म परवान चढ़ चुका है बेचारा, जो मैं तो ये नहीं कहता हूँ लेकिन मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं बेचारा, वो मौलवी साहब भी भाग गए। हाँ, वो कनाडा एक मौलवी साहब जो हैं वो भी चले गए हैं। तो मैं जब टीवी पे बैठता हूँ, मैं इतना एहतियात मुझे करना होता है कि अगर ये बात यहाँ से ऊपर नीचे भी हो गई ना तो मेरे लिए कुछ भी हो सकता है। तो मुझे हर चीज़ में, चुनाव में, लिखने में, बोलने में, यानी हर चीज़ में मुझे क्या मैं कहूँ कि हरमीत बाज़ औक़ात हक की बात भी करते हुए रुक जाता है। यस, जब मामला इस लेवल पे आता है जहाँ पे सर काटा जाता है बगैर किसी पूछे, जिस तरह हमने श्रीलंकन के साथ किया, जिस तरह हमने सवात में बेचारे वो मलेशिया से आए पंजाब। आपको लगता है मैं ज़्यादा वनरेबल हूँ? किस तरह आपको लगता है कि मेरी हैसियत जो है वो ज़्यादा कमज़ोर है तो मैं और भी मोहतात हो जाऊँ? मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैं माजी में, मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लेकिन ताकतवर हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे पैगाम भेजा था और उन्होंने मुझे कहा था कि आपका मारना क्या है, दो बंदों को गवाह बनाएंगे और आप पर लगा देंगे फतवा, फिर कहाँ बचते, फिर स्टोरी लिखो, फिर बोलो हमारे खिलाफ। तो ये मुश्किल काम है पाकिस्तान में सहाफ़त की। वैसे भी सहाफ़ियों के साथ क्या, इमरान रास के साथ क्या किया, सत्तूर के साथ क्या हुआ, दीगरों के साथ क्या हुआ। मेरे जैसा बंदा जो एक दबी हुई कम्युनिटी से निकलेगा और आके जाके इंटरनेशनल मीडिया पे बैठेगा सिर्फ एक ही ख्वाहिश लेके कि मैं पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा पूरी दुनिया को दिखा सकूँ। आपको पता है कि मुझे अभी तक, यानी मैं ये नहीं कहता, मैं ये गिला नहीं करता हूँ, मेरे में जो टैलेंट है मैं अपने टैलेंट से आया हूँ, अपने टैलेंट से मीडियम बैठा हूँ। कोई सिफारिश, कोई जर्नल, कोई कर्नल, कोई मेरा जो है वो मिनिस्टर वगैरह किसी की सिफारिश पे मैं नहीं आया, अपनी काबिलियत पे, ये मेहनत दोस्तों ने साथ दिया। अच्छा, ये बताइए कि क्या जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको, ये आपने बात की तो मेरे जहन में इनका ख्याल ये भी आया कि नॉन मुस्लिम जो है उसको अपना, अब मुझे ऐसे लगा आपकी बातों से कि बाज़ औक़ात यहाँ पाकिस्तान में, ये शायद दुनिया में भी नॉन मुस्लिम को अपना एक पॉजिटिव चेहरा दिखाने के लिए भी पेश किया जाता है, या अच्छी पोस्ट दी जाती है, या अच्छा मकाम दिया जाता है, या पॉपुलैरिटी दी जाती है। ज़ाहिर बात है, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पास तो बैन है, क्योंकि हमने बेड़ा गर्क किया इंसानी हकूक़ का, ख़वातीन को हमने नहीं बख्शा। जो अभी 3-4 सालों में हुआ या हो रहा है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता लेकिन जो कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो फिर हमने दुनिया को भी तो दिखाना होता है कि हाँ ख़वातीन की, तो देखिए हमारे अपना ख़ातून जो है इस जगह पर बैठी है, इस ओहदे पर बैठी है, लेकिन पीठ पीछे जो हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे पता है। इसी तरह अक़लियत है, क्योंकि दुनिया को तो चेहरा दिखाना है, कुछ बेचना भी तो आपने है ना, तो फिर प्रोडक्ट के तौर पर आपने कुछ चीज़ें बेचनी होती है। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं बाहर दुनिया में था, मलेशिया में काम करता था और मेरी ख्वाहिश थी कि दुनिया में हमें कोई अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। इवन इराक़ अभी गया हूँ, वहाँ पे भी कहते हैं, जहाँ से मैं गुज़रता था जब मैं कहता था कि वो कहते थे हिंदी हिंदी, तो मैं बोलता था यस, तो वो मुझे गले लगा देते थे, फिर पूछते शाहरुख खान कैसा है, अमिताभ बच्चन कैसा है। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त है रज़ी ताहिर, तो वो कहते नहीं हम वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो फिर वो मुँह बना लेते थे, एक्सप्रेशन होते हैं, बंदे को अंदाज़ा होता था कि अच्छा नहीं लगा उनको। हाँ, फिर एक लफ्ज़ जहाँ पे हमें इधर जो कैदी 804 है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं, अच्छा खान, इमरान खान कंट्री, यानी इमरान खान के अलावा कोई दुनिया में कोई जानता नहीं था। आप ये कह रहे हैं कि इराक़ में आपको हिंदुस्तानी मानकर आपकी इज्जत हुई, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, ठीक है, और जब आपने बताया कि नहीं आप हिंदुस्तानी नहीं, आप पाकिस्तानी हैं, तो आपकी इज्जत सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई। उन्होंने कहा इमरान खान की कंट्री है, हम इमरान खान को जानते हैं। अच्छा, कई सवाल तो मुझसे ये हुए कि क्यों वो तो दुनिया का अजीम लीडर है, उसको आप लोगों ने जेल में क्यों डाला है, तो मैंने कहा ये तो आप हमारी वहाँ से कि रियासत से पूछें कि क्यों डाला है, हमने थोड़ी डाला है। तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं, मुझे याद है कि मैं मलेशिया में एक जॉब करता था, प्लांटेशन की जॉब थी मेरी, पानी डालना, प्लांट्स काटना, तो एक बहुत बड़ा ऑफिस था, वहाँ पे मैं गया। उस वक्त मेरे ख्याल में 2012 के इलेक्शन थे या 13 के, मुझे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे कोई फॉर्मर क्रिकेटर थे, कुछ और लोग थे, बहुत बड़ा ट्विंस टावर आपने देखा होगा वहाँ पे। तो एक शख्स ने मुझसे पूछा कि आप की चाल ढाल, बोलने का ढंग, आप पाकिस्तान से हैं? तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार पाकिस्तान में तो कोई लीडर एक ही बंदा है, उसको आप लेके क्यों नहीं आते, इमरान खान। तो मैंने कहा मैं कौन सा इधर बैठा हूँ, मैं थोड़ी लेके आऊँ, आने वाले तो कोई अवाम ही लेके आएगी। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की वजह से वो कहते थे हम हिंदुस्तान को जानते हैं। तो आपके पाकिस्तान के तो आपने जो फिल्में बनाई है, गंडासा, गुजरदा बदमाश, पता नहीं वो किस किस्म की फिल्में जो हमने बताई, उससे तो कोई हमने कोई अच्छा कोई पोर्ट्रे हमने किया नहीं है। तो एक क्रिकेटर था जो हैंडसम भी था, जिसको दुनिया उस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, तो शायद इस वजह से लोग उनको जानते हैं। ये वजह थी। हाँ, यस, ही वाज हीरो एंड अभी भी मेरे ख्याल में है वैसे, थोड़ा बहुत लगे ऐसी रहा। अच्छा जो हालात है, जिस हालात का मुकाबला अब तो एक और किस्म का हीरो बन गया है। पहले तो सेलिब्रिटी था ना, सियासी हीरो बन गया। खैर इसमें तो दो राय नहीं है कि इस वक्त इमरान खान की जो पोजीशन है, मैं कभी कभी तस्वर में ये देखती हूँ, हम तनकीद भी बड़ी करते हैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और जिस तरह से मामलात को उन्होंने किया। मुझे एक और चीज़ भी है जिस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये सॉरी बहस ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिकल, लेकिन आपने चूँकि बात की है कि एक सियासी इंतहा पसंदी का भी एक अंसर जो है जोड़ा जाता है और ये सारा कुछ। तो बहरहाल, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि वो इस वक्त एक पॉपुलर लीडर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। और मैं आपसे कह रही थी कि कभी तस्वर में देखती हूँ कि जिस दिन वो जेल से छूटेंगे क्या बगैर गंडापुर की सिचुएशन। अच्छा जी, एनीवे, तो हम आ जाते हैं कि दोबारा इस चीज़ को ज़रा वाइंड अप करते हैं आप थोड़ा सा, कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, फिर वही बात आ जाती है कि इसका कोई हल तो होना चाहिए ना। सारी बात है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप सहाफ़त में आई, आपने ख़वातीन जो सहाफ़ी ख़वातीन हैं उनके मसाइल से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और आप उनकी एक अच्छी नुमाइंदगी कर सकती हैं। इसीलिए जो कम्युनिटी से जुड़ा बंदा है, ना कि वो शख्स जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हो, जिसके पास सरमाया हो, पैसा हो, और वो बंदा है तो उसको कम्युनिटी का क्या पता है। कम्युनिटी से जुड़ा बंदा जब पार्लियामान में पहुँचेगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे ऐसे, मेजॉरिटी ऐसी है कि वो आपको पता है कि सिलेक्शन कैसी होती है, तो वो जब आते हैं उनको मसाइल का न पता होता है। और हाँ, उनको एक और चीज़ चस्का लग जाता है कि भाई साहब चलो 5 साल मिल गए, बहराम ही कर लेते हैं BA का जो लेवल है या मिनिस्ट्री का जो है, इसको एंजॉय कर लेते हैं। और जो मसाइल होते हैं, असल मसाइल, उनसे वो दूर। यानी मैं एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान की कम्यूनिटी में पहला से एक जर्नलिस्ट एंकर हूँ। मैं कई MPAs से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ अपने अकलियत, यार ये मसला मेरा अपना ज़ाती नहीं है, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी जो वहाँ पे बैठा है, जो बेचारा गांव में बैठा है, देहात में बैठा है, उसका फ़ोन उठा के उसके मसले को क्या कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मसला ये है कि जब आपके हकीकी नुमाइंदे, बेशक आप सिलेक्शन करें, आप जो भी करना चाहें, आपने वोट का हक तो छीन लिया ना, मतलब जो माइनॉरिटी का था, जो था गैर मुस्लिमों का, आप इतना तो करें ना कि जो जुड़ा हुआ बंदा है, जो कम से कम लोगों के साथ अवामी बंदा है, जो मसाइल को समझता है और मसाइल पे काम करने वाला है, कम से कम उसको तो ले आए। आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा। ये टोटली सिलेक्शन हो रही है। इसी वजह से आपकी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं वो भी आलमी है। अच्छा, मैंने ना कुछ अरसे से पहले जो होता था ना सिख कम्युनिटी, स्पेशली पेशावर में, हम जब आपके न सिर्फ दिन भी आते हैं या ओवरऑल बहुत सारे रिपोर्ट्स हम मसाइल पर बना रहे होते हैं, चीज़ों पर बना रहे होते हैं, गुरुद्वारे पर कोई रिपोर्ट बनानी है या आपके जो कल्चरल एक मिनी अमृतसर है वहाँ, उनके ऊपर जब हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, तो मैं देखती हूँ, मेरा जो अपना तजर्बा है ज़ाती, कि कुछ साल पहले तक ये खौफ नहीं था। अभी बहुत खौफ है, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। इवन कि आपके जो बड़े होते हैं, मुझे याद है कि 2-3 साल हाँ 2-3 साल पहले ऐसे था कि मैं कह रही थी कि कोई बैठ के मेरे साथ बात करे, तो बड़ा कन्विंस करना पड़ा। ये खौफ के बढ़ने की वजह क्या है? वही बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपने सुरन सिंह को देखा था, डॉक्टर सुरन सिंह, ठीक है, एलिमेंट कुछ और थे, लेकिन अभी भी रियासत डगमगा रही है। अभी तक उसका मामला जो जिसने मर्डर किया, जिन पर इल्ज़ाम था, बलदेव, वो यहाँ से चला गया, या दीगर चरण सिंह था मेरे ख्याल, बाबू जिसको कहते हैं, बड़ा खूबसूरत इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान, जिसने जोड़ने की बात की इंसानों को। तो ये जो खौफ है ना, आज से 3 से 4 साल पहले जो आपने बात की, आप चली जाएँ तो सोशल मीडिया पर कितने सरदार एक्टिव थे, कितने लोग एक्टिव थे। अब आप जाएँ फेसबुक पर देखें तो सिख पोस्ट बड़ी मुश्किल से करते हैं, मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक डाउन कर दिया है। इसी तरह बोलने से वो इतने कतराते हैं कि अगर हम बोले तो फिर हमारा टारगेट होना, रियासत तो जिम्मेदारी नहीं, रियासत तो हिफाजत नहीं दे रही है ना। नहीं, मसाइल पे भी नहीं बोलते ना, मसाइल पे गली मोहल्ले का जो मसला है, आपकी कम्युनिटी का रोजगार का मसला है, आपके जो मोहल्ले हैं वहाँ पे जाहिर है बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ आपको, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उसी वजह से कि हम टीवी पे आएंगे या हमारी तस्वीर छपेगी, और तस्वीर छपेगी तो जो मारने वाले हैं उनके लिए फिर आसानी होगी, ये तस्वीर है, जो इसको कोई बोलता है, जो बोलता है मारी दो। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी बड़ी दबी हुई है, क्योंकि टारगेट ही सिख कम्युनिटी हो रही है। और वो पख्तूनखा, जिस पे आप कह रहे थे कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमने हिंदुस्तान नहीं जाना है, हमने यहाँ रहना है। मैं तो आपको ये कहूँ कि मेरे वो आज पख्तूनखा छोड़ के जा रहे हैं। यस, बहुत अफसोसनाक है, और रो रो के जा रहे हैं। और आपको पता है कि यस, मैं मेरे बल्कि मेरे मामे जो हैं दिल्ली में रहते हैं, नानके जो हैं वो यहाँ से, जब उस वक्त यूट्यूब नहीं था तो यहाँ से पश्तो की कैसेट्स जो होती थी, मेरे वाले सब जब जाते उनके लिए गिफ्ट लेके जाते, वो कहते और कुछ नहीं ले आना, हमारे लिए एक सूट बना लेना, हमारे लिए चप्पलियाँ 400 की चप्पलें ले आना, और हमारे लिए कैसेट लेके आना। और वो गुलनार बेगम की होती थी, सरदार अली टक्कर की होती थी, या गुलजार आलम की। अब भी वो इतने जुड़े हुए हैं कि जहाँ पे हमारे लोगों के रिश्तेदारों की शादियाँ होती हैं दिल्ली में, पंजाब में, जो केपी से गए, वहाँ उर्दू के गाने नहीं लगते, पंजाबी के नहीं लगते हैं, वहाँ पे अभी भी नाजी इकबाल, गुलपाना और इन लोगों के गाने लगते हैं। अच्छा, इतने जुड़े हुए हैं लोग। और मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ कि मैं अपने गाँव की तरफ आपको लेके जाता हूँ। मेरे गाँव में अभी भी वही खूबसूरती है, मैं खुल के बात करने वाला हूँ। मेरे गांव में मेरे जो वालदा थी, जिसने बेटी कहा था, क्योंकि मेरी वालदा के पेरेंट्स जो थे वो दिल्ली में थे। अच्छा। तो वो मौलाना साहब की जो है बेगम थी। अच्छा। और वो मौलाना साहब, उसका जो बेटा था, आज उसकी डेथ हुई है, अफजल मौलवी साहब थे। अच्छा, वो मेरी वालदा को ईद के दिन, विसाखी के दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी, सूट लेती थी। अच्छा, एक और मेरे वालदा को उसने अपनी बहन बोला था, और मेरी वालदा को इस तरह केयर करता था जैसे हमारे सका मामा। उनका नाम था मोहम्मद, नाम भी बड़ा प्यारा। तो ये कैरेक्टर बहुत खूबसूरत हैं। और फिर जब मैंने आपको बात की कि लेट सपोज हम उधर जाते हैं जो हमारे दुख सुख होते हैं, यानी आपने शमशान घाट की बात की, शमशान घाट की ज़मीन अहमद फ़ारूक खान ने दी है। अच्छा, वो भी 1 रुपया नहीं लिया है। इसी तरह जो कम्युनिटी सेंटर है, जो उस पर अब कब्ज़ा जमा गया, हॉस्पिटल ने कब्ज़ा कर लिया उस पर, तो वो जो ज़मीन थी वो एक और खान खेल फैमिली से थे, अबागुल उनका नाम था, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो भी उन्होंने फ्री में दी थी। फिर इसी तरह यानी हत्ता के बहुत सारे लोगों ने, मैं अभी भी, मेरे एक दोस्त है मुकर्रम, वो मुझे कहता है यार तुम मेरी ज़मीन पे एक बड़ा सा घर बना लो, ये ज़मीन भी तेरी होगी, मैं अभी लिख लेता हूँ। इस तरह का प्यार है। अच्छा, मेरे भाई का जब मर्डर हुआ 300 से 400 गाड़ियाँ मुझे रिसीव करने के लिए आई। मेरे भाई के लाश को कंधा मुसलमानों ने दिया। मेरे गांव में जितनी भी डेथ मेरी फैमिली में हुई, ज्यादातर लोग जो हैं लकड़ियाँ, शमशान घाट। खौफ किससे है कि आप अपनी मिट्टी छोड़ के जा रहे हैं? देखो, खौफ तो आपको अपने लोगों से नहीं है ना। ये जो पराए जो आते हैं, जिनको हायर किया जाता है, और जो एक हमने बनाए हुए थे, इस रियासत ने उन पर इन्वेस्टमेंट की, और फिर रियासत से वो बिफर गए, और उसके बाद अब वो किसी और के हाथे चढ़ के, किसी और के हाथे, पहले हमारी रियासत इस्तेमाल करती है, अब कोई और इस्तेमाल करता है, तो उनकी खौफ से भागते हैं। हरमीत, आपने कभी सोचा है कि पख्तूनख्वा से आप चले जाते हैं सिख कम्यूनिटी बाहर, सिर्फ पख्तूनख्वा से, पाकिस्तान से नहीं, पख्तूनख्वा से पंजाब आ जाते हैं, तो वो अपने आप को महफूज एक किस्म का फील करते हैं, तभी तो जा रहे हैं। ननकाना साहब चलेंगे, लाहौर चलेंगे, फैसलाबाद चलेंगे। तो मेरी मट्टी में आपको ना रहने देना, ये आपसे नफरत नहीं है, ये कोई और किस्सा है। बात वही है, पख्तूनों को पहले तो अनफॉर्चुनेटली इस रियासत ने जिस तरीके से इस्तेमाल हुए, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से हम दूर थे, जज्बाती हम बहुत हैं, फिर हमें एक चस्का दिया जाता है, थोड़ा जज्बाती है, पठान किससे नहीं डरता है, फिर मजहबी तड़का लगा के, और उसके बाद जो फिर एक एलिमेंट जो ज़ौलक ने पैदा किया, सऊदी अरब की फंडिंग हुई, अमेरिका की फंडिंग हुई, फिर जो बीज हमने बोए, वली खान जो कहा करते थे कि जो बीज आप उधर बो रहे हो या यहाँ पे बो रहे हो, उसका फल तो खाना, फल हमने छका है और छक रहे हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है कि जो वो पख्तून, यानी मेरे घर में मेरे दादाजी के बैठक में, तो मतलब एक मट्टी की बैठक थी, निशाना मट्टी है। यस, निशाना मेरी फ्रंट लाइन है। आप अंदाजा लगा लें कि मेरे दादाजी का जो बैठक थी, वहां पे बादशाह खान और वली खान की तस्वीर थी, और मेरे भाई अजमल ख़ान खटक की शायरी और इन सारी चीज़ों पे वो सुनाते थे लोगों को, तकरीरें करते थे। यानी हम इतनी इस मट्टी, फिर वो पख्तून वली से हम इतने जुड़े, लेकिन तोड़ने की कोशिश तो की जा रही है। फिर हमें पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो पख्तून पार्टीशन में, यानी वहाँ पे खून से लथपथ लाशें मुसलमानों की भी आए, लेकिन उस पर भी वो जज्बाती नहीं हो रहा है और वो गुस्से में नहीं आ रहा कि मेरे मुसलमानों की लाशें वहाँ गिर रही हैं, और वो फिर भी हमें गले लगा रहा है कि तुम्हारे भाई हैं, इन्होंने क्या किया है, ये तो हमारे दोस्त हैं, ये तो इस मिट्टी का सरमाया है, हम इनको उजाने नहीं देंगे। एक वो पख्तून है, और फिर आज वो पख्तून आ गया है कि उसमें ऐसे एलिमेंट डाल दिए गए कि वो मजबूर कर रहा है वहाँ के सिखों को निकालने तो के लिए। इनफैक्ट ये पख्तून नहीं मजबूर कर रहा ना आपको, मैं वही कह रही हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पख्तून इस्तेमाल, हाँ इस्तेमाल की बात, निशाना आप नहीं, यस निशाना पख्तून खा है, यस निशाना मेरी फ्रंट लाइन है। कहाँ गया मुझे ये बताया ना कि वहाँ वो नेशनल पार्टी, वो वली खान, वो बादशाह खान का जो नज़रिया था, यानी मैंने जो पढ़ा है बादशाह खान को, वली खान को, गनी खान को का फ़लसफ़ा, फिर गनी खान की शायरी, आह मैं सरदार अली टक्कर को बहुत सुनता हूँ और गनी खान को ही सुनता हूँ, तो मुझे बताएं ये पश्तून पख्तून वली कहाँ गई? हरमीत, तो बात ये हो गई कि आपने मलाला पर हमला किया, यस आपने हरमीत के भाई पर हमला किया, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन बाकी जो मर्डर हुए बाकी हुए, या जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, औरत को निशाना बनाया गया, सिंगर को निशाना बनाया गया, ANP को निशाना बनाया गया, तो दुश्मनी इस सिंगल एलिमेंट के साथ नहीं है, दुश्मनी इस इमेज के साथ है कि जो पख्तून का था, और वो था पॉजिटिव इमेज, वो चाहे सिख पख्तून था, चाहे हिंदू पख्तून था, या आम लोकल जो मुस्लिम पख्तून था, ऐसे है ना, या क्रिश्चियन पख्तून था। मैं तो वही कह रहा हूँ कि पख्तून वली के गीत हम सारे ही तो गाते थे, मिलके गाते थे। खत्म उन पख्तून वली के गीतों को करना है, ये रंग निकालने हैं, आप हमारे रंग है ना, बिल्कुल ऐसे आप हमारे रंग हैं, और हमने इस मिट्टी से इन रंगों को निकालना है, इसीलिए आपको निकाल रहे हैं ऐसे, अनफॉर्चुनेटली, और नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मिट्टी से दूर करना, मैंने अपनी तकलीफ़ की बात की, मैंने अपने वालिद की बात की, मैं अपनी बात करूँ, मैं भी अपनी मिट्टी से जुड़ा हूँ, मैं जहाँ जाऊँ मैं अपने गांव पे फ़ख्र करता हूँ, मैं अपने पख्तून भाई पे फ़ख्र करता हूँ, लेकिन तकलीफ़ ये भी होती है, और रोते हुए सिखों को देखा है जब वो पिशावर छोड़ रहे थे, और मुझसे तो कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं, आपसे तो इसलिए डर जाते हैं कहीं ना कोई लिख ना दे, लेकिन उस कहले मुझे कसम देते कि लिखना मत, मुझे भी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बताते, मैंने भी बहुत आंसू देखे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, अपना वतन, अपनी मिट्टी, अपना कल्चर, अपने रीत रिवाज, इसको छोड़ना आसान काम नहीं होता है, नहीं होता है। तो हरमीत, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए, और जो मैं एक मसले को समझना चाहती थी, तो इतनी तो मुझे समझ आ गई है, और नाजरीन हरमीत के शुक्रिया के बाद मुझे जो समझ आई है वो यही है, और यकीनन आपने भी देखा होगा कि हम जो फ्रंट लाइन के मुकदमे की बात करते हैं, बुनियादी तौर पर इसके रंगों को ख़त्म करना है और इधर एक ही रंग लेके आना है, बस ये एक मसला है। और अब हमने सोचना है कि क्या हमने इस मसले के साथ खड़ा होना है, या अपने रंगों को वापस लेके आना है इस मिट्टी से। ये जो डिफरेंट रंग है, ये डाइवर्सिटी है जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, वो पख्तून जो एक सॉफ्ट पख्तून था, जिसका एक इमेज था, पख्तून वली का इमेज था, उसको जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको ख़त्म नहीं होने देना। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।